आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद के बरदेव थाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। इस दौरान एक बदमाश भागने में सफल हो गया। मुखबिर की सूचना पर भागे हुए बदमाश की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। इस दौरान और बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया गया। आत्मरक्षा पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में वह घायल हो गया। बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार बीती शाम थाना अध्यक्ष बरदह धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने हमराइयों के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान भादो मोड़ से आ रहे मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवार मुड़कर भागने लगे। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक भागने में सफल हो गया। पकड़े गए रोशनलाल पुत्र रमा श्रीराम निवासी मानिकपुर सिधौना थाना महनाजपुर, ऋतिक कुमार पुत्र रमेश कुमार निवासी सिधौना थाना महनाजपुर के पास से बरदेव थाना से लूटी गई मोटरसाइकिल और दो अवैध तमंचे बरामद हुए हैं। वही मुखबिर की सूचना पर भागे हुए बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा बर्रा तिराहे पर मकान पर दबिश दी गई। बदमाश द्वारा पुलिस टीम को देखते हुए फायर झोंक दिया गया। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा चलाई गई गोली में बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश संदीप कुमार पुत्र राम दुलार निवासी गंगवल थाना महनाजपुर जनपद आजमगढ़ के पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा पूछताछ पर बदमाशों ने बताया कि 3 दिन पहले अपने के साथ जीवली देवगांव रोड पर शाम को एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल व मोबाइल छीने थे। आज हम 3 लोग उसी लूटी गई मोटरसाइकिल से किसी बड़े काम के लिए रेकी कर रहे थे कि शाम को पुलिस द्वारा हमारे दोनों साथियों को चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया गया। मार्च 2022 को थाना क्षेत्र बरदा में एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूटी गई थी। कल 16 तारीख को इस घटना का अनावरण करते हुए दो बदमाशों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम रोशन लाल और ऋतिक कुमार। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई और दो अवैध तमंचे बरामद हुए। तीसरा फरार अभियुक्त, जिसका नाम संदीप कुमार, इसकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही थी। रात्रि लगभग 22:45 पर बर्रा तिराहे के पास जब पुलिस की टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए गई तो इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस के द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग करते हुए जवाबी फायरिंग में इसको दाहिने पैर में गोली लगी, जिसको उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल रवाना किया गया। इसके पास से लूट का मोबाइल और अवैध तमंचा बरामद हुआ। इस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में लूटी गई मोटरसाइकिल, जो कि सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, एक लूटा गया मोबाइल, 3 अवैध तमंचे, 7 खोखे और 4 जिंदा कारतूस पुलिस के द्वारा बरामद करते हुए उस पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया है। इनके विरुद्ध आगे भी निरोधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।